तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सब लोग के मन में एक ही बात चल रही है कि उज्ज्वला योजना गैस जो हम लोग को 3 फ्री मिला, कैसे मिला, कब मिलेगा, खाते में पैसे आएगा, क्या होगा, 4 अप्रैल को पैसे आएगा, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड कमाल वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं रोजाना इसी तरह की अच्छी अच्छी नई नई वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो जैसा दोस्तों आप लोग को पता होगा कि भारत यहाँ पे 21 के लिए लॉकडाउन है। इसी बीच में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे कुछ बजट पास किया है, यानी 80 करोड़ यहाँ पे गरीब जनता है, सामान्य जनता जो है, इन लोगों के लिए कुछ बजट पास किया है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं। ठीक है, खाते में 500 रुपये महीने, 3 सिलेंडर मुहैया करा रही हैं और फिर साथ में राशन वगैरह, दालें वगैरह जो भी हैं ये सब दे रही हैं। तो बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि उज्ज्वला योजना का लाभ हम कैसे लें, कब लें, 4 अप्रैल को खाते में पैसा आएगा, क्या होगा, आइए पूरा जानकारी हम डिटेल से जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम लगाएंगे साइड में स्क्रीन और एक एक करके हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भारत में 3 तरह की गैसें चलती हैं। ठीक है, इंडियन गैस, HP गैस, भारत गैस। ठीक है, इन तीनों के तहत जो लोग उज्ज्वला योजना का कनेक्शन कराए हैं उन लोगों को ही ये लाभ मिल पाएगा, यानी केवल उज्ज्वला योजना के जो यहाँ पे खाता धारक के, कह सकते हैं एक तरह गैस के खाता धारक हैं, उन लोगों को ही यहाँ पे गैस मिलेगा। ठीक है, फ्री वाला। तो इसकी क्या प्रोसेस है, कब मिलेगा, जैसा आप लोगों को मैंने बताया अभी तक कि अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है, तो क्या हुआ आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है कि उज्ज्वला योजना के फ्री गैस सिलेंडर के लिए 4 अप्रैल तक आएंगे अकाउंट में पैसे। पीएम मोदी ने जब भारत में लॉकडाउन करने की घोषणा की तो उसके कुछ दिन बाद ही गरीब लोगों के लिए राहत की कई घोषणाएं की गई। इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देना भी शामिल है। केंद्र सरकार 3-4 अप्रैल तक उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा जमा करा सकती है। इसके बाद लाभार्थी अपना LPG गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। दूसरा सिलेंडर 15 दिन बाद बुक होगा। ठीक है, तो जैसा पता है एक सिलेंडर तत्काल मिल जाएगा, सेकेंड वाला आपको 15 दिन बाद मिलेगा। और सारी भी खबरें हैं, बने रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं एक बात और यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम रूप में उज्ज्वला लाभार्थियों के बैंक खाते में अप्रैल 2020 की गैस दर के अनुसार एडवांस जमा कर दिया जाएगा। तदनुसार मुफ्त LPG सिलेंडर खरीदने के लिए लाभार्थी इस राशि का उपयोग कर पाएंगे। बुकिंग हेतु ग्राहकों को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या ID RS के माध्यम से अपना रिफिल बुक कराना होगा। तो सबसे पहले कुछ डिटेल्स जान लेते हैं, तो कुछ न्यूज़ वाली बातें थे अपने भाषा में समझ लेते हैं। तो जैसा दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 अप्रैल से सबके खाते में, वैसे खाता तो आपका लिंक है ही क्योंकि सब्सिडी आती है, तो खाता तो पता ही है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे गैस सिलेंडर की एजेंसियाँ वगैरह है, जो भी हेड ऑफिस वगैरह वहाँ पे, तो आपका सब कुछ लिंक ही है, खाता पता है। तो लोग कह रहे हैं कि खाते में आपके पैसा, जैसे मान लीजिए 850 रुपये सिलेंडर का दाम है, 850 रुपये आपके खाते में आ जाएगा, उसके बाद आप उसको विड्रॉल कर लीजिए, निकाल लीजिए, फिर जाइए तो अपना गैस ले लीजिए। और जो सेकेंड वाला बुकिंग होगा तो वो गैस मिलेगा आपको 15 दिन बाद। ठीक है, इस तरह से एक एक करके आप 3 गैस ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे 2-3 बातें सामने आ रहे हैं, अभी कन्फर्म ये नहीं हो पा रहा कि कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे कुछ न्यूज में बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए 850 रुपये गैस की प्राइस है, तो आपको जाना होगा यहाँ पे, अपना गैस लेना होगा, 850 आपको डिपोजिट करना होगा, जमा करना होगा, फिर 850 रुपये सब्सिडी के रूप में आपके खाते में आएगी। तो यहाँ पे 2 काम हो सकता है। ठीक है, या तो आपके खाते में पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर खाते में पैसा आना स्टार्ट होगा तो आज ही कल से स्टार्ट हो जाएगा, अगर नहीं स्टार्ट होता है तो आज और कल से आपको उज्ज्वला योजना वाला गैस जो सिलेंडर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको 850 रुपये डिपोजिट करना होगा और सब्सिडी के थ्रू आप पा जाओगे पैसा। ठीक है, वापस पा जाओगे। इन दोनों में से एक कोई ना कोई कन्फर्म होगा, जैसे आप कुछ आशा जताई जा रही है, कुछ कन्फर्म अभी इसमें न्यूज नहीं आया है कि ऐसे ही मिल जाएगा और या तो जमा करके मिलेगा, इन दोनों में से एक ही होगा, यही शंका जताई जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक और कमेंट करके बताएगा, कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। सो टेक केयर, बाय बाय।